हाई स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेश पार्ट टू यानी कि इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम सीखेंगे आज के इस क्लास में पिछले पार्ट में हमने देखा है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या होगा कि लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करेंगे जैसे कि ये वाला एग्जांपल है यहां पर आप देख सकते हैं कि लाइन इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं दूसरा सोल्यूशन हो सकता है कि लाइन्स पैरल होंगे ये लाइन पैरेलल है और ये भी लाइन पैरेलल है ये लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी मिलते नहीं है जब लाइंस आर नॉट मीटिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट सो दे आर पैरेलल देन थर्ड सिनारियो होगा कि लाइंस विल बी इंसिडेंटल कोइंसिडेंट कोइंसाइडिंग यानी कि एक दूसरे के ऊपर से ये लाइंस गुजरेंगे ये तीन सॉल्यूशंस हो सकते हैं लीनियर इक्वेशंस जब पेयर्स में होते हैं और वो दो वेरिएबल्स के होते हैं तो हमने ये भी सीखा था कि इससे हमें क्या पता चल रहा है द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट जैसे कि ये वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल है इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन होगा ओनली वन सोल्यूशन जो ये वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्यूशन एक ही होगा और हम इसे कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस इक्वेशंस जो रहेंगे वो कंसिस्टेंट रहेंगे और उन्हें हम बताएंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। सेकेंड वाले में आप देखिए द लाइन्स में भी पैरल इन दिस केस द इक्वेशव नो सोल्यूशंस यहाँ पर क्या है लाइन्स पैरेलल हैं और इनका कोई सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं रहेगा इसीलिए हम इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस थर्ड वाले में जहां इक्वेश को इंसिडेंट है एक के ऊपर से एक गुजर रही है लाइंस तो यहां पर इंफिनेटली मेनी सोल्यूशन है किसी भी पॉइंट पे चले जाओ आप वो एक सोल्यूशन निकलेगा आपका किसी भी पॉइंट पे जाओ वो एक सोल्यूशन रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल्स का तो यहाँ पर lines यहां पर लाइन्स होंगे डिपेंडेंट या हम कह सकते हैं कि अगेन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस अब हम चलते हैं जो हमने पिछले पार्ट में तीन एग्जाम्पल्स किए थे एंड तो इस इक्वेशन में, तो में हमने देखा था कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे थे और सेकेंड इक्वेशन में हमने देखा था जो 2x एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो था वहां पर और उसके पेयर फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन था तो हमने देखा था कि लाइंस को कर रहे थे और थर्ड इक्वेशन में हमारे लाइंस पैरेलल थे ये हमने देखा था पिछले वन टू एंड थ्री एग्जांपल्स में इन्हीं एग्जांपल को लेके हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे ए वन अपॉन ए टू ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू रेशियोज बनाते हैं जैसे हम ऐसे अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पर क्या होगा तो अभी मैंने यहाँ पे टेबल की तरह बना आपके बुक में भी ये टेबल है तो आप इससे रेफर कर सकते हो तो फर्स्ट इक्वेशन था एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो और थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू जीरो तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन का एक्स हो जाएगा ए वन और y वाला जो है वो हो जाएगा B1 और जीरो हो जाएगा C1 और यहां पर सेकेंड इक्वेशन में 3x जो है वो हो जाएगा A2 और 4y हो जाएगा B2 और माइनस ट्वेंटी हो जाएगा C2 ये हमारे इस तरह से इक्वेशन हो जाएंगे A1, B1, C1 ए टू बी टू और सी टू तो ए वन अपॉन ए टू क्या होगा एक्स 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 है, X माने के वन वन और थ्री थ्री। बाय बी वन अपॉन बी टू हो जाएगा माइनस टू है, मतलब माइनस टू बी टू फोर है तो फोर माइनस टू बाय फोर और सी वन अपॉन सी टू जीरो अपॉन माइनस ट्वेंटी ये हमारे कंपैरिजन के लिए हो जाएंगे तो अब रेशियोज को अगर हम कंपेयर कर लें तो क्या हो रहा है ए वन अपॉन ए टू दैट इज वन बाय थ्री एंड बी वन अपॉन बी टू माइनस टू बाई फोर तो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू अगर हम देखें तो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू और वहां पर जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था तो क्या हुआ था लाइन्स वेयर इंटरसेक्टिंग दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे थे एक पॉइंट पे तो हमने इससे हमें यह पता चला था कि जब ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू तो वहां पर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन रहेगा या हम कह सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन उस उस पेयर ऑफ इक्वेशंस का रहेगा इतना आपको याद रखना है व्हेन ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू तो उस सिनेरियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर और उनका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन रहेगा यानी कि यूनिक सोल्यूशन रहेगा नेक्स्ट एग्जाम्पल टू जिसमें कि ये वाला इक्वेशन था टू एक्स

अगर आप देखें टू बाय फोर है मैं यहां पर नीचे कर देता हूं इसको टू बाय फोर यानी कि ये क्या हो जाएगा टू वन जा टू 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 ज फोर तो ये हो जाएगा वन बाय टू नेक्स्ट है थ्री बाय सिक्स थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स तो ये भी थ्री कट हो जाएगा थ्री वन जा थ्रू और ये कैंसिल हो जाएगा थ्री टू 6 तो यहां पर भी हो गया मेरा वन बाय टू और नेक्स्ट है माइनस नाइन डिवाइडेड बाय माइनस एटीन तो दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं इसलिए हम उन्हें कैंसिल करके पॉजिटिव कर लेंगे फिर नाइन वन जा नाइन नाइन टू जटीन तो यहाँ पर भी हो गया वन बाय टू तो इसका मतलब क्या हुआ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू क्योंकि वन बाय टू बी वन अपॉन बी टू भी वन बाय टू और सी वन अपॉन सी टू भी वन बाय टू है तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू और इस इक्वेशन में क्या हुआ था हमारे लाइंस वेयर को इंसिडेंट को इंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे थे तो इसमें हमारा सोल्यूशन हो गए थे इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन यानी कि हर एक पॉइंट पे एक सोल्यूशन था तो हम ये कह है सकते हैं कि वेन द रेशियोज आर इक्वल दैट इज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू देन वी हैव इंफिनिटली मेनी सोल्यूशंस एंड द लाइंस विल बी कोइंसाइडिंग थर्ड सिनारी में हमारा इक्वेश्स थे एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो एंड टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो तो ए वन है एक्स बी वन है टू एक्स यानी कि वन बाय टू और सेकंड है बी बी वन है टू वाई और बी टू है फोर वाई यानी कि टू बाय फोर टू बाय फोर भी कैंसिल होकर वन बाय टू ही हो जाएगा और माइनस फोर बाय माइनस ट्वेल्व यानी कि सी वन है माइनस फोर और सी टू है माइनस ट्वेल्व ये हो जाएगा वन बाय थ्री पहले देखते हैं टू बाय फोर का क्या होगा टू बाय फोर कट होके टू वन जा टू 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 जा फोर तो ये हो गया वन बाय टू और माइनस फोर बाय ट्वेल्व माइनस फोर डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस कैंसल फोर वन जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व यानी कि वन बाय थ्री तो ये हम कह सकते हैं ए वन बाय बी ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू वन बाय टू वन बाय टू बट दे आर नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू लेकिन सी वन बाय सी टू इसमें इक्वल नहीं रहेगा तो इस सिनारियो में लाइन्स हमारे पैरल्स हो जाएंगे और इनका कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा तो आप इससे ये सीख सकते हो कि जस्ट बाय कंपेयरिंग द रेशियोज हम पता कर सकते हैं कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है कोई इंसिडेंट है या पैरल हैं और हम ये भी पता कर सकते हैं कि उनके सोल्यूशंस कितने हैं सोल्यूशंस फाइंड आउट नहीं होंगे लेकिन सॉल्यूशंस कितने हैं हम ये पता कर सकते हैं लेट सॉल्व एग्जाम्पल फोर फ्रॉम योर बुक आपके बुक में जो एग्जाम्पल फोर है वो सॉल्व करते हैं चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इक्वल्स टू सिक्स एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व इज इनकन्सिस्टेंट इफ सो सॉल्व दम ग्राफिकली फर्स्ट हमें पता करना है कि सोल्यूशंस जो ये इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंस है या नहीं है और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है कि ये ग्राफिकली uh, इनको हमें सॉल्व करना है तो हम जब इनको रेशियोस कंपेयर करेंगे तो ए वन बाय ए टू क्या हो जाएगा वन बाय टू एंड बी वन बाय बी टू हो जाएगा थ्री अपॉन माइनस थ्री एंड सी वन बाय सी थ्री हो जाएगा सिक्स अपॉन ट्वेल्व हम देख सकते हैं कि वन अपॉन टू ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू तो अब अगर ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू क्या होता है वहां पर हमने पिछले ग्राफ में देखा था कि अगर ये इक्वल ना रहे तो लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस और दे विल हैव वन ऑफ इसे हम क्या कहेंगे कि द लाइन्स आर इनकिस्टेंट अब हम क्या करते हैं कि इनको ड्रॉ करते हैं ओके okay, तो लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट लाइन रहेंगे लेकिन इनका सोल्यूशन क्या होगा ये हम ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट हम अपना टेबल बना लेते हैं टेबल बनाने के लिए हमारे इक्वेशन वन है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू सिक्स यानी कि वाई इज इक्वल्स टू सिक्स प्लस एक्स है आर एच एस में आने के बाद माइनस एक्स हो जाएगा और थ्री इंटू वाई है आर एच एस में आने के बाद थ्री हो जाएगा एक्स की वैल्यू अस टेक एज ज़ीरो अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सिक्स माइनस जीरो अपॉन थ्री यानी कि सिक्स बाई थ्री इज इक्वल टू टू नेक्स्ट हम लेते हैं एक्स की वैल्यू एज सिक्स अगर हम एक्स की वैल्यू एज सिक्स लेंगे तो सिक्स माइनस सिक्स हो जाएगा जीरो जीरो बाई थ्री होता है जीरो सो वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वाई विल बी इक्वल टू टू एंड वेन एक्स इज सिक्स वाई विल बी ज़ीरो हमारा सेकेंड इक्वेशन है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व तो यहाँ पर y इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस टू एक्स जब 2x RHS में चला जाएगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा और थ्री वाई है ये डिवाइडेड बाय थ्री हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन थ्री हमने जो यहाँ पर माइनस वाई बच रहा था उसको यहाँ पर शिफ्ट कर लिया तो इक्वेशन बन जाता है टू एक्स माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री अगर इस इक्वेशन में हम x इज इक्वल्स टू जीरो लेंगे तो टू इंटू एक्स यानी कि टू इंटू जीरो माइनस ट्वेल्व अपॉन थ्री तो ये थ्री वन जा थ्री फोर जा माइनस फोर बचेगा y में देन अगर हम x की वैल्यू थ्री लें तो टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स अपॉन थ्री तो माइनस सिक्स अपॉन थ्री कैंसिल होके माइनस टू बचाएगा अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं जीरो बाय टू है इसे हम लेंगे ओके एक्स जीरो वाई टू ये वाला हो जाएगा ए पॉइंट देन बी सिक्स वाई जीरो वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा बी और सेकेंड जो इक्वेशन है उसके पॉइंट्स जीरो एंड माइनस फोर हो जाएगा पी और थ्री एंड माइनस टू हो जाएंगे क्यू तो इनको प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जीरो टू ए हमारा यहां पर आ रहा है This is our A. और उसके बाद जीरो माइनस फोर एक्स जीरो है हमारा, यहां पर माइनस फोर है, okay. है, है. ये हो जाएगा यहां पर और सेकेंड है थ्री माइनस टू एक्स थ्री है y माइनस टू यानी कि ये पॉइंट हो रहा है हमारा यहाँ पर q अब हमें क्या करना है एक स्केल ले लो और इन पॉइंट्स के ऊपर रख के स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन का हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू सिक्स और ये सेकेंड इक्वेशन का हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व ये लाइन अब हम देखें तो दोनों दोनों लाइन आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट पर जो कि है सिक्स जीरो पॉइंट कहां पे मिल रहे हैं आके सिक्स जीरो सिक्स है वाई जीरो है यहां पर लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं और दिस इज द ओनली सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है और हम कह सकते हैं कि द इक्वेश्वेश और उनका सोल्यूशन क्या है एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू जीरो आप इन वैल्यूज को रिप्लेस करके देख सकते हैं तो आपको भी थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाएगा इस एग्जाम्पल को फिर से सॉल्व कीजिए उस समय आप इन वैल्यूज को एक्स इजिक्वल्स टू सिक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू जीरो को रिप्लेस करके देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल फाइव की तरफ एग्जाम्पल फाइव क्या रहा है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन अभी हमारे पास एक इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन है फाइव एक्स माइनस एट वाई प्लस वन और दूसरा इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी फोर बाय फाइव प्लस थ्री बाय फाइव अभी हमें यह पता करना है कि ये इक्वेशंस का ग्राफिकली पता करना है कि इनका नो no सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है अब देखें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा इंटीजर्स में है और सेकेंड इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शंस में है तो इन फ्रैक्शंस को हम इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस सारे इक्वेशन को एंटायर इक्वेशन जो इक्वेशन टू है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव बाय थ्री से फाइव बाय थ्री से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट है थ्री एक्स थ्री एक्स को फाइव बाई थ्री को हम अगर फाइव बाई थ्री से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर बचेगा फाइव सेकेंड है ट्वेंटी फोर बाय फाइव ट्वेंटी फोर बाय फाइव इंटू फाइव बाय थ्री तो यहां पर फाइव और फाइव कैंसिल हो जाएंगे थ्री वन सा थ्री एट सा तो बचेगा हमारे पास एट और थर्ड है थ्री बाय फाइव थ्री बाय फाइव इंटू फाइव बाय थ्री तो ये थ्री और थ्री कैंसिल, फाइव और फाइव कैंसिल हमारे पास बचेगा वन तो इक्वेशन बन जाता है फाइव एक्स माइनस एट वाई प्लस वन जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया फाइव बाय थ्री से तो हमारे पास बच रहा है फाइव एक्स प्लस एट वाई प्लस वन अगर हम इसको देखें तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वेशन वन इक्वेशन वन भी यही है और इक्वेशन टू भी यही है यानी कि अगर हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करें तो लाइन्स बनेंगे को अगर कोइंसिडेंट लाइन्स बन रहे हैं तो उसके सोल्यूशंस हो जाएंगे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस आप अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि लाइन्स इनके को इंसिडेंट हैं और ये हमारे इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस इस एग्जाम्पल में हमको मिल रहे हैं लेट्स मूव टू एग्जाम्पल सिक्स एग्जाम्पल सिक्स क्या कह रहा है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा एक सेल में गई कुछ पैंट्स और कुछ स्कर्ट्स खरीदने के लिए वेन हर फ्रेंड्स हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट शी आंसर्ड उसके फ्रेंड्स ने पूछा कि आपने कितने पैंट्स खरीदे और कितने स्कर्ट्स खरीदे तो उसने आंसर डायरेक्टली नहीं दिया कि मैंने इतने पैंट्स खरीदे इतने स्कर्ट्स खरीदे व्हाट शी इज टेलिंग द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन The number of pants purchased. मैंने जितने pants करे हैं उनको मैं twice कर दूंगी, कर दूंगी, into two कर यानी कि और उस minus two करूंगी. और उसमें से उसने दूसरा एक आंसर दिया ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज मतलब जिसने उसने पैंट्स परचेज किए हैं उसको वो मल्टीप्लाई कर रही है फोर से और उसमें से माइनस फोर कर रही है वो नंबर ऑफ स्कर्ट्स के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करते हैं लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ पैंट्स बाय एक्स नंबर ऑफ पैंट्स को एक्स लेते हैं और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को वाई करके लेते हैं क्योंकि हमारे इक्वेशन बनाने हैं इन टू वेरिएबल्स तो हम बात कर रहे हैं स्कर्ट्स की स्कर्ट की वैल्यू क्या है वाई वाई इज इक्वल्स टू कितने पैंट्स uh, के बराबर है दो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स फर्स्ट इक्वेशन यानी कि टू एक्स माइनस टू पहले पैंट्स को वो कह रही है मेरे स्कर्ट्स इतने हैं कि आप पैंट्स को टू से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें से माइनस टू कीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया सेकेंड सेंटेंस में वो कह रही है कि मेरे जो स्कर्ट्स हैं दो आर इक्वल टू मैं पैंट्स इंटू फोर यानी कि फोर इंटू एक्स हमने पैंट्स को x करके लिया है माइनस फोर तो ये हमारा इक्वेशन नंबर टू बन गया तो ये इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस फोर एंड y इज इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस फोर तो फर्स्ट इक्वेशन का हम टेबल बना लेते हैं चार्ट बना लेते हैं x एंड दूसरा है y विच इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू अगर एक्स की वैल्यू हम टू डालें एक्स की वैल्यू टू करें तो यहां पर क्या होगा टू एक्स माइनस टू यानी कि टू इंटू टू फोर फोर माइनस टू फोर तो वाई भी हो जाएगा फोर और अगर एक्स की वैल्यू हम जीरो ले लें तो फोर इंटू जीरो जीरो सॉरी टू इंटू जीरो जीरो एंड जीरो माइनस टू माइनस टू तो यानी कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू माइनस टू आएगी फिर हम जाते हैं सेकेंड इक्वेशन का चार्ट बनाते हैं यह है हमारा सेकेंड इक्वेशन का चार्ट यहाँ पर x y इज इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस फोर अगर x की वैल्यू जीरो है तो फोर इंटू एक्स फोर इंटू ज़ीरो जीरो माइनस फोर हो जाएगा माइनस फोर अगर x की वैल्यू वन ले हम तो फोर इंटू वन फोर माइनस फोर जीरो यानी कि y जीरो हो जाएगा तो अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट और इसको लेते हैं बी ये हो जाएगा चलिए लेते हैं इसको P P और ये वाला Q इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं वेन A पॉइंट का आ रहा है एक्स इज टू वाई इज ऑल्सो टू यानी कि ये X एक्सिस पे टू यहां है और Y एक्सिस में टू यहां है तो हमारा A बन जाएगा यहां पर देन B वेन X इज जीरो Y इज माइनस टू यानी कि ये हो जाएगा हमारा यहां पर हम फिर क्या करते हैं इन पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ लेते हैं यह बन जाएगी हमारी लाइन फिर सेकेंड लाइन बनाते हैं व्हेन एक्स इज जीरो वाई इज माइनस फोर एक्स जीरो है वाई माइनस फोर यानी कि ये पॉइंट्स आके मिलेंगे यहां पर फिर व्हेन एक्स इज वन वाई इज जीरो एक्स वन है तो वाई जीरो है तो ये बन जाता है यहाँ पर पॉइंट अब इस लाइन को हम जोड़ देंगे तो ये लाइन बन रही है इस तरह से और हम देखें तो ये आके कोइंसाइड हो रहे हैं इस इस पॉइंट पे जहां के x1 है y 0 है तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल रहा है x इज 1 एंड y इज 0 x इज 1 एंड y इज 0 ये हमारा सॉल्यूशन है 1 0 और हमने x क्या लिया था हमने x को डिनोट किया था पैंट से तो उसने हम कह सकते हैं कि उसने खरीदा एक पैंट और कोई भी स्कर्ट्स उसने नहीं खरीदा तो ये थे हमारे तीनों एग्जांपल्स। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे अल्जिब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो अल्जिब्रिक मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के वो हम सीखेंगे थर्ड पार्ट में इसमें है सब्सिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि एक एक मेथड को हमें एक एक क्लास में या एक एक वीडियो में सीखना पड़ेगा सो so, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम सीखेंगे अल्जिब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थैंक यू